हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम टू व्लॉग। इट्स अ ब्रांड न्यू डे, ब्रांड न्यू व्लॉग। शेख आया हुआ शॉपिंग करने के लिए। मतलब शॉपिंग का कीड़ा तो किसी को भी लग जाता है, लेकिन जो होता है ना नीम वकीम खतरा है जान वाला सीन, वही वाला सीन हुआ हुआ है अभी तक। मुझे दवाई देके और देखो मास्क पहन के बैठा हुआ है। मुझे लगा नहीं तूने खांसी। और जब ये जा रहा था पाकिस्तान तब खांस खांस के मेरा बुरा हाल किया हुआ था। और लास्ट टाइम जो मैं बीमार हुआ था और बिया भी बीमार हुई थी, वो ताता नहीं दिया था। अभी जाके करते कुछ शॉपिंग क्योंकि शेख से रेजिस्ट नहीं हो रहा। क्यों डरी? बिल्कुल हाँ भाई, चलो। ये मास्क में तेरी ऐसी आवाज आ रही है, वैसी ऐसी है। नहीं, वैसी ऐसी हो गई है यार। बाकी सब तो ठीक है। ये शॉप आधे मॉल के बीच में, ये कैसी शॉप है? मैंने कहा था कि मैं शॉपिंग करने कुछ नहीं, तू जा, तुझे पता होगा। शेख कह रहा है मैं कल दोबारा आऊंगा शॉपिंग करने के लिए। मैंने कहा क्या हुआ, अकेले आना है? कहते हैं कि नहीं, कुछ बोलने लगा था, बोलते बोलते रुक गया। अब वो एक सरप्राइज है। अगर आप ये व्लॉग बाद में देख रहे हो उस सरप्राइज के, तो ये वो वाला सरप्राइज था। और अगर पहले देख रहे हो तो अभी हम कुछ बोल नहीं सकते। शेख मुझे तब से प्रूव करने की कोशिश करें कि यहाँ पे सब्वे है। सब्वे क्योंकि वो हेल्दी खाना चाह रहा है, ऑब्वियसली मैं भी हेल्दी खाना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे सब्वे नहीं था, मतलब दो तीन लोगों से पूछा नहीं था। अब एक लड़की ने बोल दिया कि यहाँ पे सब्वे है, तो अब शेख को तसल्ली हो गया। अभी 3-1 वोट चल रहा है ठगी में, तो 3 वोट और चाहिए। या तो ऑल द वे उधर जाके चेक कर ले। बाय द वे ये वही वाला मॉल है जहाँ पे हम लोग घूम गए थे लास्ट टाइम, एक ही स्ट्रेट रोड पे, जहाँ पे मैंने कहा था स्ट्रेट रोड पे कौन घूमता है, हम घूमते हैं। और इस बात मुझे भी शेख का असर हो गया था। अभी फिलहाल कुछ खाते हैं यार, वाकई भूख लगी है। नाश्ता करना है लगी यार, नाश्ता नहीं किया हुआ मैंने। नाश्ता अभी थोड़ी सी चीटिंग होते होते रहेगी, वो इस तरह से कि अभी यहाँ पे टैको बेल का रेस्टोरेंट था, तो शेख और मैंने सोचा पहले टैको बेल खा लेते हैं, टैकोस खा लेते हैं। लेकिन फिर शेख ने बोला कि नहीं, चीटिंग हो जाएगी। तो फिर मैं भी मोटिवेटेड हो गया। मैंने कहा सही है यार, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो याद आया कि जर्मनी में जो हमने वो बुरीटोस खाए थे, और वो जिस तरह की सर्दी में बैठ के खाए थे, मतलब मिर्चों की तरह सर्दी लग रही थी यार। जस्ट इमेजिन कितनी सर्दी होगी। और वो सारा सीन था। अगर नहीं देखा तो ये वाली लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। फिलहाल हम लोग सब्वे ढूंढ रहे हैं। मेरे मतलब की कोई ना कोई शॉप तो होगी, किसी ने मेरा बिजनेस आइडिया चोरी कर लिया। ये पीछे बैगेज वर्ल्ड देख रहे हो, मेरे मतलब की शॉप है यार। ऐसे कैसे हो सकता है कि यार पूरे ट्रैवल की कोई शॉप ना हो? बैगेज वर्ल्ड यार, जस्ट लुक एट दैट। पता है ना ये चीजें कैसी अट्रैक्ट करती है मुझे, मतलब ये ट्रैवल प्लानिंग और वो सब कुछ। यहाँ पे रेट लिखे हुए थे, तो नेक्स्ट प्लानिंग की जब भी कोई अच्छी ऑफर मिले तो ले लेनी चाहिए। मतलब ट्रैवल तो फिर आ रहा था अभी इधर, अभी ना कर उनको हिंट मिल जाएगा कहाँ जाना है। ठीक है, टुई ट्रैवल्स। सोच लिया कि ट्रैवल करते ही जाना है, तो फिर जो डील मिले उसको ले लेना चाहिए। इसलिए जहाँ भी सेल लगी हुई थी ट्रैवल की, मैंने कहा देख लेते हैं। इवन तो शॉप बंद थी, शायद कुछ अच्छी डील नजर आ जाती। हमारी परंपरा है कि जब तक आप निकाले नहीं जाते ना मॉल से, तब तक शॉपिंग करते रहो। शॉप टिल यू ड्रॉप वाला सीन है। इतनी चीजें तुमने क्या ली है? याद है जब जर्मनी गए थे वहाँ पे कोरोना कोविड टेस्ट सेंटर था? शेख तेरी कुछ नहीं ली है। अब वो नहीं निकल रही, अब नहीं निकल। वो जब हम जर्मनी गए थे वहाँ पे कोरोना टेस्ट सेंटर था, तो वहाँ पे मैंने कहा था यार किस तरह के ज़माने में अब हमें जीना पड़ेगा। अब वही वाला सीन चल रहा है कि अब जहाँ पे ड्रिंक्स मिलती थी वहाँ पे अब मास्क मिल रहे हैं। जस्ट इमेजिन यार भाई, वो और थी। हमारी शॉपिंग खत्म नहीं हुई, हमें निकाला गया लिटरी लास्ट वाली शॉप से। वो तो औरत तुम्हारे पीछे ही पड़ गई थी यार, निकलो 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 इधर से। मतलब इतना बुरी तरह तो यार वो देख रही थी जैसे कि पता नहीं मार देगी। प्रॉपर बाउंसर टाइप की यार, इनको मतलब निकालो बच्चे। बीरा से प्रॉमिस किया हुआ कि उसको स्कूटी लेके देनी है। यहाँ पे मुझे परफेक्ट चीज नजर आ गई। अब ब्लू जो है लड़कों वाला कलर है, लेकिन उसको पिंक की जगह ब्लू ज्यादा पसंद आता है। अब जब यहाँ पे आए हुए हैं तो मैंने सोचा कि यार स्कूटी भी ले लें। कि स्कूटी नहीं आई, नहीं आई बेटा, बाय राव। लाइक इट? आपको आती है चलानी? नहीं आती, आप सीख लोगे ना। हे आई लव यू, हैप्पी हैप्पी नाउ? ओह इज अ बिग गर्ल, यू आर अ बिग गर्ल नाउ, है ना? ध्यान से चलाना, ओके? कह रही है जैसे आपने जर्मनी में चलाई थी वैसे ही चलाऊंगी। वो कल वाले ब्लॉग में भी जिक्र कर रहा था, और वो जो भैया जिक्र कर रही है वो ये वाले ब्लॉग का कर रही है।
तो अभी भैया को वो अनबॉक्स करके देखते हैं और उसको सेट कर देते हैं ताकि बच्चे जो है ना उनको ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए। जब उनको चीज़ मिल जाए ना बस अनबॉक्स करके दे दो ताकि वो इन्जॉय करें यार, यही तो मोमेंट्स होते हैं। इसको तो असेंबल करना पड़ेगा। दिस इज द ब्रेक। ठीक है, दोनों पाओ ऐसे करोगे तो ऐसे मुड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 गो। कल आई थी तब भी बीरा ने यही कपड़े पहने हुए थे और कोइंसिडेंटली बीरा ने आज भी वही कपड़े पहने जब उसकी पहली स्कूटी आई है। हेलमेट आपका ऑर्डर करना पड़ेगा बेटा। आजकल के बच्चों को सेफ्टी का फुल एहसास है। कह रही है मेरा हेलमेट किधर है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। हेलमेट तब जब आप बाहर जाओगी, अभी आप अंदर चला रही हो ना, अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे ऑर्डर कर लेंगे। जिंदगी का जो चक्कर भी होता है ना, जिंदगी का जो साइकिल होता है वो रिपीट होता रहता है। मतलब आप जो हरकतें बचपन में करते थे वही आपके बच्चे वही हरकतें ऑलमोस्ट वही हरकतें अपने बचपन में करते हैं, देन वो बड़े हो जाते हैं, देन उनके बच्चे वही हरकतें करते हैं। पैकेजिंग के बबल्स नहीं आते, वो जो पॉप करते थे हम लोग यार, वो जो पटाखे बजाते थे ये वाले, कितना मज़ा आता था, कितनी सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आती थी, वो कर रही है और उसको मज़ा आ रहा है उसी तरह से। तो मुझे अपना बचपन एकदम से आंखों के सामने सारा घूम गया और क्या मज़े की फीलिंग है यार। बच्चे सच में ब्लेसिंग होते हैं और जब बच्चों को गिफ्ट मिलता है, जब अच्छे मूड में होते हैं ना, तब तो वाकई में सच में ब्लेसिंग होते हैं। अभी पैक करें, आप कहें भैया सो रहे, तो मैंने अब भैया के लिए सरप्राइज रखा हुआ है, तो भैया उठ के जब मैं चला जाऊंगा तो भैया उठ के वो खुश हो जाएगी, फिर पैक करें। इधर आओ। पता नहीं क्या क्या स्क्रिप्ट बनाती रहती है अपनी वीडियोस की और पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। यू नेवर नो, बहुत जल्दी अपना ही चैनल खोल ले और बोले कि पापा ये मेरा चैनल है, तो ज़रा बच के रहना। बट एनीवे, आज तो यार शॉपिंग में सारा दिन निकल गया। मतलब इतनी ज़्यादा शॉपिंग बची हुई थी, अंदाज़ा नहीं था इसका, और अभी भी बची हुई है यार। समझ नहीं आती कि यार ये शॉपिंग का क्या बनेगा। आप लोग भी सोचते हो क्या रोज़ रोज़ शॉपिंग और ये सब चल रहा है, बट बड़ा ट्रिप है तो बड़ी तैयारी तो चलनी है। ट्रिप से याद है, कल हमारा एक ट्रिप है। अब वो बड़ा ट्रिप है या छोटा ट्रिप है उसका पता नहीं है, वो तो आपको कल वाले व्लॉग में पता चल जाएगा। तो फिलहाल ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि कल वाले ट्रिप के लिए जल्दी उठना है और तैयार होना है और कल वाला ट्रिप स्टार्ट करना है। तो फिर ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। तब तक के लिए, जब तक के लिए, अगले व्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पहले मेरे ग्लासेस देख रहे हो, इन ग्लास की खास बात ये है कि इसका जो ग्लास है ना वो कुछ खास किस्म का ग्लास है। आपकी जो भी राय है इस ग्लासेस के बारे में, वो आप खुल के उसका इजहार कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए ग्लासेस उतार देते हैं।